फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो आप लोगों तक कैसे खबर पहुंचाते हैं और आपके घर के टीवी सेट तक आखिर खबर कैसे पहुंचती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला लोक एवं संपर्क अधिकारी के ऑफिस में। यहाँ पर अंदर मीडिया सेंटर है, तो यहाँ पर मीडिया सेंटर बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है मीडिया सेंटर है। चलिए अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मीडिया सेंटर के अंदर से रिपोर्टर्स आप लोगों तक खबर किस तरीके से पहुंचती है और आखिर कैसे। आप लोग ये देख सकते हैं कि पूरा मीडिया कक्ष लिखा हुआ है यहाँ पर, मीडिया कक्ष, और इधर ये सारे पोस्टर्स हैं सीएम साहब के लगे हुए हैं। ये हमारे मीडिया कर्मी हैं। राजू जी, कैसे हो? तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे हरदीप सिंह डीप IPRO हैं, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन एंड प्रेस रिलेशन ऑफिसर। और ये आप देख सकते हैं यहाँ बाहर लिखा हुआ है मीडिया कक्ष, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक आप खबर भेज सकते हो। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है ओनली फॉर मीडिया पर्सन, आउटसाइडर नॉट अलाउड। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये है कंप्यूटर कक्ष और मीडिया कक्ष है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 कंप्यूटर अभी 2 वर्किंग पे हैं। तो यहाँ से जो भी खबर होती है उसको पहले एडिट किया जाता है। एडिट करने के बाद जो खबर हमें आगे चैनल्स को भेजनी होती है, वैसे हम यहाँ से खबर भेजते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भाई यहाँ पे एडिट कर रहे हैं, पहले मोबाइल से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। इंटरनेट फैसिलिटी है यहाँ पर, फुल ब्रॉडबैंड है, हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है। तो यहाँ से आप खबर भेजते हैं आगे, ईमेल आईडीज के जरिए सब जगह भेजी जाती है। फिर वहाँ से चैनल की जो टीम होती है वो उसको एडिट करके आगे का जो भी प्रसारण होता है वो करते हैं। तो बेसिकली खबरें जो कवर करने के बाद जो रिपोर्टर्स होते हैं, हाँ, स्पेशली यहाँ पर पूरा वातानुकूलित सिस्टम है, AC है, चाय पानी, फुल फैसिलिटी जो है रिपोर्टर्स को मिलती है, चाहे वो सीनियर ब्यूरोज हों, तो सभी को यहाँ पर प्रोफेशनली तरीके से यहाँ पर बैठते हैं। और इसके बाद मैं आपको दूसरा कक्ष दिखाता हूँ। वहाँ पर अगर रिपोर्टर दिन भर की भागदौड़ के बाद अगर थक जाएं तो यहाँ पर बैठने की पूरी सुविधा है। अभी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये सैनिटाइज मशीन लगी हुई है। मैं आपको लाइट जगा के दिखाता हूँ क्योंकि इस वक्त टाइम हो चुका है 6:15 और सब जो रिपोर्टर्स हैं वो जा चुके हैं यहाँ से। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइट्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पंखा है, ऊपर AC लगा हुआ है, सोफे बेड की फैसिलिटी है और अपनी, इस टाइम शाम का टाइम है तो यहाँ पे LCD है, फ्रिज है, पूरी फैसिलिटी जो है रिपोर्टर्स को मिलती है। और यहाँ पे वॉशरूम भी है, साथ में यहाँ पे वॉशरूम है। और यहाँ पर आप चाय से लेके पानी, जो भी आपको रेस्ट करना है दिन भर की भागदौड़ के बाद, रिपोर्टर जो थक जाते हैं और उनके लिए रेस्ट करने की जो जगह है वो यहाँ पर है। सोफे लगे हुए हैं, प्रॉपर TV है और इंटरनेट फैसिलिटी है, सभी तरह का जो रेस्ट यहाँ पर, और काम करने के बाद आप थक जाएं तो वो कर सकते हैं। और ये सब कुछ था, आपको मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से रिपोर्टर, अब उसी मीडिया कक्ष में चलता हूँ जहाँ से कंप्यूटर खबर भेजी जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से खबरें भेजी जाती हैं और आगे पहुँचती हैं, उसके बाद आप लोग TV स्क्रीन पर भेजते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। ऐसी और भी वीडियोस आपको लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।